हेलो गाइस, इस वीडियो में देखेंगे कि प्रश्नावली 1C का आप 5वां नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सो गाइस, क्वेश्चन है एक्स प्लस टू अपान एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू अपान एक्स प्लस वन। तो इसे सॉल्व करते हैं, इसके बाद तिरिया गुणा करेंगे, हो जाएगा एक्स प्लस टू का होल वर्ग प्लस एक्स माइनस टू का होल वर्ग पूरे का बटे एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू। इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पर है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस दो का वर्ग चार हो जाएगा प्लस दो टू एक्स, यानी कि हो जाएगा ये फोर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स पूरे का बटे, यह एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर। फिर देखते हैं फोर एक्स से फोर एक्स कट जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर एट हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर। इसमें दो को कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर हो जाएगा, नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो सो गाइस, इसका आंसर इतना ही आएगा, टू कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपान एक्स स्क्वायर माइनस फोर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, निम्नलिखित व्यंजकों को परिमेय व्यंजक के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है टू एक्स माइनस वन अपान टू एक्स, इसको परिमेय व्यंजक के रूप में व्यक्त करना है, तो हो जाएगा तिरिय गुणा करेंगे, इसके नीचे एक लिखेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तिरिय गुणा होगा फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन अपान टू एक्स। सो गाइस, इसका आंसर इतना ही होगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान टू एक्स, इसका आंसर इतना ही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन बटे एक्स प्लस टू प्लस एक्स पे क्यू माइनस 27 अपॉन एक्स प्लस टू। तो इसे सॉल्व करते हैं, ये भी परिमेय व्यंजक के रूप में इसे व्यक्त करना है। तो एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू से एक कॉमन ले लेंगे एक्स प्लस टू, तो ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस नाइन प्लस एक्स पर थ्री माइनस 27। इससे हो जाएगा एक्स पे क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस नाइन माइनस 27 माइनस 36, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, जो बड़े बड़े अंक आगे का चिन्ह होता है उसे लिखते हैं, बड़े अंक आगे का चिन्ह माइनस है इसलिए इसे माइनस लिखे हैं, 27 9 36 पूरे का बटे एक्स प्लस टू। तो सो गाइस, इसका आंसर इतना ही आएगा 3x पे पावर क्यू प्लस एक्स पे पावर टू माइनस 36 पूरे का वाटर एक्स प्लस टू। तो सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।